गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा क्रमचय और संचय पर प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्रमचय संचय में जो हम स्कूल लेवल में बताया फार्मूला लगभग वही यूज होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो प्रतियोगी परीक्षा में, और बाकी जो स्कूल लेवल में बताया वही क्वेश्चन भी कभी कभी आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ जैसे अलग अलग जैसे थ्योरी देने की जरूरत नहीं है, क्या है कि जो क्वेश्चन है उसके आधार पर वहीं पे उसको सोचना चाहिए। अलग से फार्मूला इसका जनरली जो स्कूल लेवल में बताया है वही फार्मूला है। जैसे कि है एमिन पत्रों को कितने प्रकार से एन पत्र पेटियों में डाला जा सकता है। एमिन पत्रों को इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था कि एमिन पत्र है तो एक पत्र को हम ले जाएंगे और पत्र पेटी में एन तरीके से डालेंगे, दूसरा ले जाएंगे उसको भी एन तरीके से डालेंगे। जितने पत्र हैं जैसे मैंने बताया पहले पत्र फिर पत्र पेटी के पास ले जाएंगे तो एन पत्र पेटी है तो इसके पावर में पत्रों को डाला है करके, तो ये एन की पावर एन हो जाएगा। पहला का आंसर ये जिसको पहले पकड़ना है वो पावर में रहेगा। एमिन पत्र है तो पत्र पहले पकड़ेंगे और जितने पत्र पेटी को उसमें लेके डालेंगे तो पत्रों की संख्या पावर में रहेगा, ये एन टू पावर एन एन ऐसे करके होगा। सेकंड दिया है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से तीन अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। तो तीन अंकों की संख्या है अपने पास, तीन अंकों का संख्या है और उसमें सम संख्या भी बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूसरा है, ये तीन है अपने पास तो सम संख्या बनाना है। तो 1 2 3 4 चार सम संख्या है, ये वाले हिस्से को हम और सीमन तरीके से भर सकते हैं। जैसे पुनरावृत्ति भी नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं होना है। तो इनमें से ये चार है, चार में से ये वाली जो जगह है फोर सीवन तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो दो जगह है इसको हम शेष 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ तरीके से, एक तो इधर इधर डाल दिए हैं तो एक कम आठ तरीके से चयन करना है। एक सीट आठ में से दो को चयन करना है और इस जगह में फिर टोटल दो तरीके से भरना है। आठ में से दो बचे हैं यहाँ करने, किसी का भी चयन हो सकता है, एक यहाँ आ चुका है और उसके बाद उसको फिर दो तरीके से जमा सकते हैं। तो कुल सम संख्या हो जाएगा 4C1 × 8C2 × 2। तो ये 4C1 × 4 − 1 × 1 × 8 × 2 × 2 तो 2 से 2 कर गया, ये फैक्टोरियल 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 × 7 × 6 ये 6 हो गया। तो ऐसे ही कट जाएगा, तो 7 × 28 = 64, 8 × 16 = 6, 224 तरीके से 224 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन पुस्तकों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं ताकि दो विशेष पुस्तकें साथ साथ ना हो। एन पुस्तकों को रखना है तो एन पुस्तकों को एक पंक्ति में कटके एन तरीके से जमा सकते हैं। चौथा, एन पुस्तकों को फैक्टोरियल एन प्रकार से कर सकते हैं। अब दो विशेष पुस्तक एक साथ में, दो एन माइनस टू बचेंगे, एन माइनस टू और दो उन दोनों को एक साथ रख देंगे तो एन माइनस टू प्लस वन इक्वल एन माइनस वन का क्रमचय फैक्टोरियल एन माइनस वन होगा और साथ में दोनों को दो पुस्तकों को एक साथ फैक्टोरियल टू बराबर दो प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक साथ ना हो उसका कंडीशन, एक साथ ना फैक्टोरियल इन तरीके से है उसमें से एक साथ रखने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू टू। तो ये हो जाएगा, इसमें से हम
एन माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू टू, तो फैक्टोरियल एन माइनस वन बाहर लेंगे तो एन माइनस टू। इतने तरीके से रखा जा सकता है जबकि दो विशेष पुस्तकें एक साथ ना हो। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है एक प्रकार से, एक क्वेश्चन है जो ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है, कैलकुलेशन वाला। 1000 से बड़ी परंतु 4000 से बड़ी नहीं, कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 से बनाई जा सकती हैं, उनका वृत्ति मान्य है। तो 1000 से बड़ी बोला है, 1000 शामिल नहीं है सबसे पहले, तो 1000 शामिल नहीं है। दूसरा बोलता है 4000 से बड़ी नहीं, तो 4000 शामिल है, मतलब 4000 शामिल है, बड़ी नहीं बोला है, 4000 से छोटी नहीं बोला है, 4000 से छोटा नहीं बोला है। अब देखिए इससे 5 संख्याएं अपने पास और 1000 और 4000 के बीच की जो संख्या है इसमें 4 अंक है, 4 अंक है अपने पास उपलब्ध है, 0, 1, 2, 3, 4। तो 1000 से बड़े होने के लिए यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4000 से बड़ी नहीं बोला है, तो 4000 आ गया लेकिन यहाँ 4 तक नहीं बना सकते। तो ये वाले जगह को हम 1, 2 और 3 तरीके से भर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 5 में से किसी एक को रखा जा सकता है, पुनरावृत्ति है, इसलिए पुनरावृत्ति है, किसी को भी कितना ही बार कर सकते हैं, ये जगह 5 प्रकार से, ये जगह 5 प्रकार से, ये जगह 5 प्रकार से, एक रखने पर पूछा है टोटल 5 × 5 × 5 = 125। इसने 1000 की शामिल है, 1000 की शामिल है इसने, तो शामिल नहीं करेंगे तो 124 हो जाएगा। जब दो रखेंगे यहाँ पर, दो रखेंगे तो इसको 5-5 तरीके से भरेंगे तो फिर 125 आएगा, और जब 3 रखेंगे तो इसको 5-5 तरीके से भरेंगे तो 125 आएगा, और एक अंक आएगा जब यहाँ 4 लिखेंगे तो ये 4000 ये भी शामिल है, तो एक और आएगा, तो कुल मिलाकर हो गया 124 125 125 और 1, ये 375। इसमें शब्दों के इधर उधर करने की वजह से ऐसा है, 1000 से बड़ी बोला है तो यहाँ पर 1000 को हटाना पड़ेगा, और 4000 से बड़ी नहीं बोला है, 4000 शामिल है इसलिए यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, 4 लेंगे तो एक, बाकी 1, 2, 3 लेंगे तो यहाँ पर कितने भी प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से, पुनरावृत्ति है इसलिए ये आप 5 का सोलूशन। छठवां देखते हैं, छठवां में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेन सी एक्स माइनस वन बड़ा है 2 × 10 x, तो एक से क्या क्या हो सकता है इसको निकालना है, दिया जाएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस एक्स प्लस वन, फैक्टोरियल एक्स माइनस वन, बड़ा है 2 × फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस एक्स इंटू फैक्टोरियल एक्स, तो ये 11 माइनस एक्स है, ये 10 के तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये 11 माइनस एक्स यानी बड़ा है, 11 माइनस एक्स 1/11 माइनस एक्स बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल 10 माइनस एक्स बनेगा, फैक्टोरियल एक्स माइनस वन बड़ा है, ये 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 10 माइनस एक्स, इसमें से एक्स बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल एक्स माइनस वन, तो दोनों साइड से एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल और 10 माइनस एक्स का फैक्टोरियल कट जाएगा, 1/11 माइनस एक्स बड़ा है 2/x, तो एक्स बड़ा है 22 माइनस 2x, इधर आएगा 3x बड़ा है 22, x बड़ा है 22/3, माने x जो है 7:1/3, माने 7 से बड़ा, माने इससे बड़ा है, ये से तो 7 स्वयं है, तो x 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 ऐसे करके हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ 10 सी x दिया है तो जो x है वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से x दिया तो निचली क्वांटिटी इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है या 10 हो सकता है। हाँ, यहाँ पर से इसका प्रतिबंध है ज़्यादा होने का, इधर से तो बता दिया कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो इधर से इससे छोटा होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा, 10 से 10 डिफाइन है लेकिन 10 से 11 डिफाइन नहीं होगा, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये है छठे नंबर का क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट ये है कि इन प्लस वन पुस्तकों के समुच्चय से एक विद्यार्थी अधिकतम इन पुस्तकों का चयन करता है कर सकता है। यदि इसके द्वारा एक पुस्तक 63 तरीके से चयन की जाती है तो एक का मान हमको निकालना है। तो अधिकतम होना है एक पुस्तक ले सकता है, दो पुस्तक ले सकता है, तीन पुस्तक ले सकता है, एक पुस्तक को ले सकता है, एक पुस्तक को ले सकता है, एक पुस्तक ले सकता है तो क्या होगा? लेकिन हमारे पास जो आएगा अधिकतम n गुना है तो 2n प्लस 1 में से एक चयन करेगा, या फिर 2n प्लस 1 में से दो चयन करेगा, या फिर 2n प्लस 1 में से तीन चयन करेगा। ऐसे करते करते 2n प्लस 1 में से n चयन करेगा। ये हमारा कैलकुलेशन है, इसको हमको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, फिर n की वैल्यू को कुछ एक्सेट के द्वारा निकालना है। तो ये तो 1 से n तक जा रहा है, ऊपर में 2n प्लस 1 है, तो नीचे में भी 2n प्लस 1 यदि आएगा तब फिर वो क्या होगा, इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि 0 की साइन करेंगे तो 2 पावर n होता है। इसके लिए जो फार्मूला है nc 0 plus nc 1 plus nc 2 ऐसे nc n, तो ये 2 पावर n होता है। यदि ये साइन नहीं आता तो माइनस 1 आता है। तो इसको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे, 2n प्लस 1 c 0 प्लस 2n प्लस 1 c 1 प्लस 2n प्लस 1 c 2 ऐसे करते करते 2n प्लस 1 c n 2n प्लस 1 c n प्लस 1 एंड इसके आगे का हो गया प्लस 2n प्लस 1 c n प्लस 2 ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 इक्वल टू 2 टू पावर 2n प्लस 1 ऐसे आएगा। अब इसके पहले का पद लिखता हूं मैं 2n प्लस 1 c 2n ऐसा, इसके पहले का पद लिखता हूं 2n प्लस 1 c 2n माइनस 1। तो ऐसा जब लिखे हैं तो हमारा जो काम का है, हमारा जो काम का है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये सब को कैसे करें? तो देखिए क्या है कि यहाँ से लेकर के जो ये 2n है, 2n में जब ये 1 जुड़ेगा तो ये दोनों के इन दोनों के इक्वल, ये दोनों मिलकर के 2n प्लस 1 और 2n और इसके नीचे का 1 जोड़ रहे हैं 2n प्लस 1 ऊपर के बराबर हो रहा है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम आएगा। वैसे ही 2n माइनस 1 और इसको जोड़ेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, सेम वैल्यू होगा। जैसे ncr इक्वल टू nc n माइनस r होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर n आ रहा है इसलिए दोनों बराबर है, नीचे नीचे के जोड़ने पर जो ऊपर वाले बराबर आ रहे तो इक्वल होता है। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसी से पहले का और पद को ऐसे करके तो इसका जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बच जा रहा है, बाकी सब दो बार हो जा रहे हैं, बाकी सब दो बार हो जा रहे हैं, मतलब जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो राशि दो बार हमको मिलेगा। इसको हम 2x मान लेते हैं, यहाँ 2n प्लस 1 c 0 और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 2n प्लस 1 c 1 2n प्लस 1 c 2 n तक ये दो बार आ जाएगा, तो ये 2x हो गया। जो हमको चाहिए ये कैलकुलेशन का वो 2x हो गया और ये आ जाएगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 ऐसे करके। तो आगे इसको क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसके इक्वल टू 2 टू पावर 2n प्लस 1 है। ये 1 तो 2 हो गया, 2 प्लस 2x इक्वल टू 2 इंटू 2 टू पावर 2n ऐसे, ये 1 प्लस x इक्वल टू 2 टू पावर 2n ऐसे। तो x इक्वल टू 2 टू पावर 2n माइनस 1 और x जो है 63 है, तो ये नहीं रख देते हैं 63 है, तो ये 1 प्लस 63 इक्वल टू 2 टू पावर 2n, तो 64 इक्वल टू 2 टू पावर 2n और 64 इक्वल टू 2 टू पावर 6 है, तो 2 टू पावर 2n, तो 2n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3 ऐसे इसकी वैल्यू होगा n का मान। ये जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान दीजिएगा, ये
इस क्वांटिटी से इस एक्सप्रेशन में जो हमको चाहिए 2n + 1 यानी 2n + 1 पुस्तकों में से अधिकतम एक पुस्तक का चयन इस तरीके से किया जा सकता है। हमारे पास जो सीरीज 0 से स्टार्ट होकर 2n + 1 तक है उसे वैल्यू 2.n + 1 होता है। तो ये जो क्वांटिटी हमारे यहां जो वैल्यू लाना है वो दो दो बार आ रहा है, इसके ये इसके ऊपर इसके इधर वाला फिर इसके ऊपर इसके पहले वाला इसके ऊपर ऐसे करके दो बार आ जाएगा। तो उसको हमने 2x लिख लिया जो हमारा एक से क्वेश्चन दिया हुआ है सही है। तीसरे तरीके से ये जो अधिकतम n का चयन उसको एक मान लेते हैं 2x आ जाएगा, इसके वैल्यू में इसके वैल्यू में ऐसे करके ये निकाला गया है। ये आपका सातवें नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए आठवें नंबर का क्वेश्चन, ये त्रिभुज और सरल रेखा का तो सिद्धांत सिंपल है। यदि त्रिभुज बनाना है तो तीन असमबाहु बिंदु चाहिए और एक सरल रेखा बनाना है तो बिंदु चाहिए। यदि एक ही सरल रेखा में बिंदु है तो उनसे घटा देते हैं। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, त्रिभुज को उसको देखते हैं। ये आठवां नंबर का क्वेश्चन, एक बिंदु ए है और ए बी, ये ए ए बी इसमें एम है और ए सी में एम बिंदु है, इसमें ए शामिल नहीं है। तो ए को शामिल करने पर और ए को शामिल नहीं करने पर, जब ए शामिल नहीं है तो कितने त्रिभुज बनाएंगे भगवान, जब ए शामिल है तो कितने त्रिभुज बनेगा उसका अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए त्रिभुज बनेगा तो तीन असमरेख बिंदु, मतलब ये है कि इसमें पद लेना है तो इसमें के इसमें का दो बिंदु इसमें के एक बिंदु से मिलेगा तो त्रिभुज बनेगा, जैसे ये ऐसे करके ये। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके दो बिंदु इसके एक बिंदु से मिले तो भी त्रिभुज बनेगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज तो बनाए ए शामिल नहीं है, ए शामिल नहीं है तो त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या मान लीजिए इसको लिख लेते हैं पी इक्वल, तो इसमें से दो चयन करो और इसमें से एक चयन करो, या इसमें से एक चयन करो और इसमें से दो चयन करो, एक में से तब इतने त्रिभुज बन सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टोरियल एन एन फैक्टोरियल एन माइनस टू इंटू फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल वन एंड फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस टू इंटू फैक्टोरियल टू। तो आगे ये हो जाएगा तो n n / 2 का इससे कॉमन ले लेते हैं, तो n n / 2 के यहां से n - 1 और यहां से n - 1 बचा, तो n n / 2 एंड m + n - 2। पहले जब a शामिल नहीं है तो उतने त्रिभुज बनेंगे और जब a को शामिल करेंगे तो क्या होगा, a को शामिल नहीं किए इसमें का तो ये इसमें का एक और इसमें का तो इसमें का एक का, इस प्रकार हम त्रिभुजों की संख्या निकाला है। अब a शामिल होगा तो फिक्स हो गया। अब ये के बाद क्या होगा, ये किसमें से लेना है किसमें से लेना है, तो ये इसमें से एम प्रकार से चयन, इसमें से एम प्रकार से चयन करेंगे तो ए को जब शामिल करेंगे तो इतना तो बनेगा ही, इतना तो बनेगा ही एम प्लस एम माइनस टू अपॉन टू बनेगा ही, साथ में ए फिक्स हो गया और इसमें का एक इसमें का चयन करते जाएंगे, कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, इसमें से एम प्रकार से इसमें से एम प्रकार से, टोटल त्रिभुज ए शामिल करने पर इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, ए शामिल करते इतना हो जाएगा। इसके एलसीएम सॉल्व करेंगे तो अच्छा एलसीएम सॉल्व ना करके कॉमन ले लेते हैं एन एन, तो एम प्लस एन माइनस टू अपॉन टू प्लस वन, तो एम एन एम प्लस एन माइनस टू प्लस टू अपॉन टू, तो एन 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 प्लस टू ऐसे। अब इसका अनुपात ले लेते हैं, पी चाहिए क्यू है मान लो, तो पी अपॉन क्यू एन एन बाई टू एम प्लस एन माइनस टू एंड एन एन बाई टू एम प्लस एन, ये कट गया एम प्लस एन माइनस टू अपॉन एम प्लस एन, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये आठवां का हुआ। नौ में है चार अंकों की कितनी संख्या
पांच से अविभाज्य है, अचानक इतनी संख्या पांच से विभाज्य है, इसको तो हम इजीली बना सकते हैं। अविभाज्य है बोला है हमको कुल संख्या की निकालना पड़ेगा इसमें, फिर कितने विभाज्य हैं उसको निकाल करके फिर उसमें से माइनस करेंगे तो अविभाज्य आएगा। तो चार अंकों की कुल संख्या ये नौ है, चार अंकों की कुल संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो 9000 आ जाएगा कुल चार अंकों की संख्या। अब चार अंकों की संख्या है और कितने भी संख्या कितने बार भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर जीरो नहीं आएंगे, इसे नौ तरीके से भर सकते हैं, जीरो टू नाइन दस अंक होते हैं, इसमें से जीरो नहीं लेंगे तो नौ तरीके से इसको भर सकते हैं, दस तरीके से इसको भर सकते हैं और दस तरीके से इसको भर सकते हैं। लेकिन पाँच से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर जीरो या फाइव आना चाहिए, इसको दो तरीके से भर सकते हैं, तो टोटल पाँच से विभाज्य संख्या हो जाएगा 9 × 10 × 10 × 2 बराबर 1800। अब अपने पास है टोटल 9000 पाँच से अविभाज्य, ये हो जाएगा 9000 में से 1800 को माइनस करेंगे तो 7200। कितने पाँच से अविभाज्य रहेंगे चार अंकों की संख्या उतना विभाज्य रहेगा। अब दिया है 9600 के विभाजकों की संख्या, ये इसको लेवल में भी ऐसा बताए थे हम, इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसका फिर पावर को देखेंगे। तो क्या लिखा जा सकता है 9600 को, देखिए इसमें इस प्रकार का विभाजन भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे थे आपको तो मालूम होना चाहिए, जैसे 100 है 100 में 25 है उसमें चार को बढ़ करेंगे 100 हो जाएगा, 9600 से 16 हो गया, सुंदर सीख के 9600 होता है या 32 दिया ऐसे, तो ये 5 की घात 2 हो गया और ये 2 की घात 5 और 2 7 हो गया और ये 3 की घात 1 हो गया। तो विभाजकों की संख्या विभाजकों की संख्या या गुणनखंड, विभाजकों की संख्या जाएगा 2 + 1 7 + 1 × 1 + 1 तो 8 × 8 = 24 = 48 ये इसके बाद में संख्या इतना होगा। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन हमने संख्या के कुछ 8 क्वेश्चन देखा। धन्यवाद।